महापद्मनंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। वह राजा बना था, दूसरे लड़के उसके प्रजा बने थे। उसी ओर एक ब्राह्मण जा रहे थे, उनका नाम चाणक्य था। वे बड़ी बुद्धिमान थे। उन्होंने बालक की राज क्रीड़ा को बड़े ध्यान से देखी। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह वह बालक राजा के पास जाकर याचना की। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। तुम्हें जितनी इच्छा हो आप ले लीजिए। राजन, ये जिसकी गाय है, अगर वो लोग मारने लगे तो? ये किसकी हिम्मत है जो मेरी आज्ञा का पालन ना करे? जब तक मैं राजा हूँ सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। राजन, आपका शुभ नाम क्या है? प्रणाम आचार्य, मैं बड़ा दुष्ट लड़का हूँ, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी दिए गए हैं। बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। धन्यवाद आचार्य। यशस्वी भगवान। महापद्मानंद एक निष्ठुर मूर्ख और त्रस्तजनक राजा था। उसकी राजसभा में बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। मां आप निश्चिंत रहिए, मैं इस शेर को अवश्य मार निकालूंगा।